मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ नेहा मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास टू का साइंस चैप्टर थ्री। चैप्टर वन और टू मैंने अपने पिछले वीडियो में बना दिया है और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थ्री को, जिसका टाइटल है, चैप्टर का नाम है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली और लाइफ मीन्स जीवन। वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जीवन या वन्य जीवन भी आप कह सकते हैं। इसमें मैंने कुछ टॉपिक को लिख दिया है, जो आपके चैप्टर में कुछ टॉपिक है जिसको मैंने सारे टॉपिक को लिख दिया। एक एक करके हम सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में क्या है, क्या पढ़ना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉपिक, वी विल फाइंड आउट अबाउट सम वाइल्ड एनिमल्स। पहले तो हम कुछ जंगली जानवर के बारे में जानेंगे कि वो कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका भोजन कैसा होता है, इस सब का हम लोग इसमें इन शॉर्ट इसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम लोग एक एक से डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। एज वी नो दैट कि जितने भी जंगली जानवर है वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रकार करने का मतलब कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब सब जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। सम आर बिग वाइल्ड अदर आर स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं जबकि कुछ जानवर छोटे होते हैं। सम लिव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर, कुछ ऐसे जानवर हैं जो भूमि पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अपना जीवन कहाँ व्यतीत करते हैं, जल में करते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो दोनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो जल में भी रह सकते हैं और भूमि पे भी रह सकते हैं। दे ऑल्सो डिफर इन दिस हैबिट्स, वे सभी अपने जो आदतें हैं, डेली की जो रूटीन होती है, उन सब में भी सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ हंट करते हैं, कुछ घास खाते हैं, कोई डिपेंड है ग्रीन प्लांट्स पे, कोई डिपेंड है अदर एनिमल्स पे, यानी कि सबकी हैबिट्स में भी चेंजेस आती है। दे आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो बड़े होते हैं यानी कि उनकी आकृति और आकार है वो बड़े होंगे, कुछ छोटे होते हैं यानी कि उनकी आकृति और आकार जो है वो छोटे होंगे, राइट। गुड, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग का सेकेंड टॉपिक है बिग वाइल्ड एनिमल्स, बड़े जंगली जानवर। चलिए देखते हैं बड़े जंगली जानवर कैसे होते हैं। सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट, राइनोसोरस, जिराफ, लायन, टाइगर एटसेट्रा आर बिग इन साइज। आप लोगों ने एलिफेंट को देखा है, देखा होगा, राइनोसोरस, जिराफ, टाइगर, लायन, इन सभी को देखा है। अगर नहीं देखा तो चिड़ियाघर में देखे ही होंगे। ये सब क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, साइज में लोग बड़े होते हैं। तो वैसे जो बड़े जानवर हैं उनको हम लोग किसमें बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बिग वाइल्ड एनिमल्स, बड़े जंगली जानवर, समझे। अब है हमारा सेकेंड, सम स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स, कुछ छोटे जंगली जानवर भी होते हैं। छोटे जंगली जानवर कैसे होते हैं, सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक रैट, रैबिट, स्क्वायरल, मंगूस आर स्मॉल इन साइज एंड शेप। आपने चूहा तो देखा ही होगा, वो कैसे होते हैं शेप और साइज में, उनकी आकृति और आकार कैसा होता है, छोटा होता है। तो वो कैसे आए, किस में आएंगे, वो स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स में आएंगे। वो किस टाइप के जानवर हैं, छोटे जंगली जानवर हैं, राइट। रैबिट, स्क्वायरल, मंगूस, ये सब क्या है, छोटे जानवर हैं। अब हम जानेंगे फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। आप सभी जानते हैं कि एनिमल्स क्या है, लिविंग थिंग्स है। अब ये भी जानते हैं कि लिविंग थिंग्स है तो उसको किस चीज़ की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। हम लोग भी भोजन करते हैं, इन लोगों को भी भोजन की जरूरत है। तो अब हम लोग यही जानेंगे कि इन लोग किस टाइप के भोजन करते हैं, कैसे भोजन को किस कैटेगरीज में रखा जाता है, जो जिस टाइप के भोजन करते हैं उनको उनके कैटेगरीज में रखा जाता है। तो हमारा टॉपिक है फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी का मतलब कि जंगली जानवर का भोजन। अब उन भोजन जो भोजन करते हैं उनको हम लोग थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट है आपका हर्बीवोरस, सेकेंड है कार्निवोरस एंड थर्ड है ओमनिवोरस। हर्बीवोरस का हिंदी होता है शाकाहारी। अब हम लोग
एक एक करके तीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हार्बिवोरस मींस शाकाहारी। व्हाई एनिमल्स टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आप जानते हैं कि जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोगों की मम्मी हमारी देखभाल करती है, फिर बड़े हो जाते हैं तब भी हम लोग अपना देखभाल कर लेते हैं या किसी के सहारे भी रहकर देखभाल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को देखभाल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी बनाई जाती है या हम लोग खुद अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए उस चीज़ का यूज़ करते हैं। बहुत सारी मशीन आइटम या फिर कुछ भी है जो यूज़ करते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो अपना टेक केयर खुद करते हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता या फिर जैसे भी उनको लाइफ जीना होता वो खुद से जीते हैं। दे सर्च देयर ऑन फूड, यानी कि हम लोग जो है अपना भोजन लाते हैं बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वे अपना भोजन स्वयं जाकर ढूंढते भी हैं और उसको अपने तरीके से खाते भी हैं। सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट, मंकी, डियर, जेब्रा एटसेट्रा इट ओनली प्लांट्स। कुछ ऐसे जानवर हैं जो केवल ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। लाइक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एलिफेंट, हाथी, जेब्रा, गॉड, ये सारे जो जानवर हैं वो किस पर डिपेंड है, ग्रीन प्लांट्स पे, वो केवल ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल या फिर इसका डेफिनेशन कहना तो क्या कहेंगे, वैसे जानवर जो केवल ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम लोग हर्बिवोरस कहते हैं, यानी कि शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी कहते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बिवोरस, उन्हें हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल्स या हर्बिवोरस भी कह सकते हैं। घास खाने वाले जानवर कहिए, पेड़ पौधे खाने वाले जानवर कहिए, या फिर आप उसको शाकाहारी कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। गॉट इट, आप लोग इसको जान गए कि हर्बिवोरस किसे कहेंगे, वैसे पौधे वैसे जानवर जो पेड़ पौधे को खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम लोग हर्बिवोरस कहते हैं। हमारा सेकेंड है कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, वॉल्फ, क्रोकोडाइल एटसेट्रा हंट एंड ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे भी जंगली जानवर हैं जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सभी शिकार करते हैं और शिकार करके उन्हीं के मांस को खाते हैं। तो वैसे जानवर जो शिकार करते हैं और फ्लैश खाते हैं, मांस को खाते हैं, उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, मीन्स कार्निवोरस कहते हैं। उसे हम लोग फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले बार में देखे हर्बिवोरस में, इसे हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहें या फिर हर्बिवोरस कहें, क्योंकि ये प्लांट खाते हैं तो इसे हम लोग प्लांट ईटिंग कहें। कार्निवोरस में ये फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, तो हम लोग इसको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवोरस भी कह सकते हैं। अब हमारा थर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसे कहते हैं, चलिए। Wild animals like hyena, jackal, and vulture eat the leftover flesh of dead animals. They are called scavengers. कुछ scavengers में होता है मेहतर, जो गली कुची में जो भी गंदगी होती है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं उसको खाते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, जानवर हैं जो छोटे छोटे डेड एनिमल्स को खाते हैं, मृत शरीर जो भी छोटा बहुत मर जाता है उसको खाते हैं, तो उन्हें हम लोग scavengers कहते हैं। They keep the nature clean by feeding on dead animals. वे हमारे environment को, हमारे जो वातावरण है उसको शुद्ध करने का, क्लीन करने का भी काम करते हैं। अगर वो डेड एनिमल को खाते हैं तो वहाँ का वातावरण भी साफ हो जाता है, गंदगियाँ भी साफ हो जाती है। सम एनिमल्स लाइक क्रो, बियर, रैट एटसेट्रा इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लेश। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं, जैसे क्रो, कौवा, उसको आप लोग मांस भी खाते हुए देखे होंगे, और वो ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, मींस रोटी या फिर कुछ भी खाते हैं, वो दोनों खाते हैं। वैसे जानवर जो प्लांट्स और फ्लेश दोनों खाते हैं उसे हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं, मींस सर्वाहारी कहते हैं। आप लोग ओमनीवोरस के बारे में जानेंगे। वैसे जानवर जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स एंड फ्लेश, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस, राइट। अब आपका कीप इन माइंड में रहने वाला आपका पेज नंबर 16 में भी कुछ है जो कीप इन माइंड है, वो मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, उसका कीप इन माइंड आप देख लीजिए। जिराफ इज अ डग एनिमल्स। जिराफ जो है वो गूंगा जानवर होता है, जिराफ बोल नहीं पाता है, वो गूंगा जानवर है।
द मंगूस ईट इवन द स्नेक्स वेनम ग्लैंड। जो मंगूस होते हैं नीवला होते हैं वो सांप के जहर को भी खा जाते हैं या फिर सांप के जहर से उन पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग हमेशा सांप और नीवला का लड़ाई भी देखे होंगे, यानी कि उन लोगों को कोई फर्क, नीवला को सांप के विष से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपका पेज नंबर 17 में जो कीप इन माइंड है उसको आप लोग देख लीजिए। द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड। जो कौवा है वो उसको क्लेवर बर्ड कहा जाता है, मींस चालाक चतुर पक्षी कहा जाता है। स्केवेंजर्स में ऑल्सो बी कॉल्ड स्वीपर और क्लीनर्स। स्वीपर मींस आप लोग जानते हैं जो कचरे साफ करते हैं, हम लोगों के रोड पर जो जितने भी कचरे होते हैं उनको साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनको हम लोग स्वीपर्स कहते हैं। तो आप लोग सेंस देखिए कि स्वीपर का मींस भी वही होता है जो कचरा साफ करता है, और स्केवेंजर्स भी वही होते हैं जो डेड एनिमल्स को, डेड कीट पतंग को खाकर उस वहाँ की गंदगी को साफ करते हैं, तो उनको हम लोग स्वीपर या फिर क्लीनर्स भी कह सकते हैं। आप लोग ने जान लिया। अब हमारा टॉपिक है होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हम लोगों ने पहले जाना कि ये वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं, फिर हम लोगों ने जाना कि उनका भोजन क्या कैसा होता है, भोजन करने की जो आदतें हैं वो कैसी होती है, किस टाइप के जानवर कैसा भोजन करते हैं। अब हम लोग जानेंगे होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स का घर जानेंगे कि सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं सब अलग अलग घर में रहते हैं, तो उनका घर किस टाइप का होता है, वो किस टाइप के घर में रहते हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम। अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के घर में रहते हैं। कैसे रहते हैं? सम एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर एंड फॉक्स लिव्स इन डेन्स। यानी कि कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे लायन, टाइगर, फॉक्स, ये सब जो जानवर हैं वो गुफा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं। स्नेक्स, रैबिट्स एंड मोल्स मेक देयर होम्स इन पूल्स बिलो द ग्राउंड। अब जो स्नेक है यानी कि सांप है, रैबिट है, खरगोश है, वो सब कहाँ रहते हैं? वो जो ग्राउंड होता है मतलब जो जगह भूमि है उसमें अपने होल बनाते हैं। कहीं पे अगर जैसे कि आप अपने घर में भी देखते होंगे कहीं पे अगर होल है तो उसमें सांप घुस जाते हैं, यानी कि कहीं इसको वो लोग बेल में रहते हैं। सम एनिमल्स सच एज द मंकीज, गोरिल्ला, ज़ेब्रा एंड डियर वैंडर इन द जंगल्स। यानी कि कुछ ऐसे भी जानवर हैं जैसे मंकी, गोरिल्ला, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में पाए जाते हैं। जंगल में पाए जाते हैं यानी कि उनका जीवन व्यतीत कहाँ होता है? जंगल में ही होता है। सम एनिमल्स सच एज द फिश, ऑक्टोपस एंड वेल लिव इन वाटर। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जैसे मछली, ऑक्टोपस, ये सब कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। आपको मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूर जगह रहते हैं, भूमि पे भी और जल में भी। आप लोगों ने देखा कुछ ऐसे जानवर हैं जो भूमि पे रह रहे हैं, जो गुफा में रहते हैं, बिल में रहते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो पानी में भी रहते हैं। सम एनिमल्स लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मैंने ये भी आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो दोनों जगह रहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देके चले तो फ्रॉग, वो दोनों जगह रह लेते हैं, भूमि पे भी और वाटर पे भी। सिंपल है। तो आप लोगों ने जान लिया होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स का घर, कि सारे जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन से घर में रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सेव वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर को सेव करना। सेव मींस होता है उसको सुरक्षा करना या उसको बचाना, प्रोटेक्ट करना। सेव वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन, बोन्स, हॉर्न्स एंड टस्क। जंगली जानवर जो है वो मारे जा रहे हैं, किल हो रहा है उनका। क्यों? उनके मांस के लिए, उनके त्वचा के लिए, उनके दांत के लिए, उनके सिंग के लिए लोग उन्हें मार रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं। ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट एंड किलिंग एनिमल्स फॉर देयर ग्रीन। ह्यूमंस है जो मानव हैं वो अपने लालच को पूरा करने के लिए जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, जंगलों को डिस्ट्रॉइंग कर रहे हैं। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कैसे रहेंगे? जंगल रहेगा तभी तो वो लोग रहेंगे ना। तो जंगल को बर्बाद कर रहे, काट रहे, पेड़ पौधे को काट रहे, और वहाँ पे अपने लालच को, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्डिंग्स, होटल्स, ये सब बनाए जा रहे हैं, जिस वजह से हमारे जो वाइल्ड, कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं। तो
इसमें आप लोगों को वही करना है, सेव वाइल्ड एनिमल्स मीन्स आप लोग जंगल को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आप जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं तो वाइल्ड एनिमल भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इफ वी प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट वी कैन प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स। एग्जैक्टली, अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं दैट मीन्स हम लोग किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को इससे एक सीख भी मिलती है, सेव वाइल्ड एनिमल्स, हम लोगों को जितने भी जंगली जानवर हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।